हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपना बीए सेकेंडर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख फसलें, और उन फसलों में हमने गेहूँ, चावल और मक्का, इन तीन के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम रबड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, रबड़ है जो एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसका जो उत्पादन है वो भी विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय जो देश है उन देशों में किया जाता है। हम देखें तो ये जो अपनी भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा के 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश में ही रबड़ का उत्पादन किया जाता है। हम देखते हैं कि विश्व में हम देखें तो रबड़ का उत्पादन जैसे अपना ये दक्षिण अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में, और अफ्रीका में कांगो या फिर जायरे बेसिन में, और ये अपने जो दक्षिण पश्चिमी द्वीप समूह है इनमें ही रबड़ का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो तापमान रबड़ के उत्पादन के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए इसी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसी में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और ये रबड़ है जो एक प्रमुख व्यापारिक फसल है, औद्योगिक फसल को इस रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रबड़ के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनको हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होना आवश्यक है। तो देखिए, इस रबड़ के लिए भौगोलिक दशाएं तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तापमान, रबड़ के उत्पादन के लिए तापमान हम देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का होना आवश्यक है। इससे कम तापमान में रबड़ का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गर्म उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसी वजह से इसका जो तापमान है वो कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। फिर इसकी जो वर्षा देखें तो वर्षा में देखिए 150 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे हम इसकी मिट्टी देखें तो ये रबड़ का जो उत्पादन है वो लेटेराइट और दोमट, ठीक है, और फिर ये जो ज्वालामुखी के लावा के निर्मित जो काली मिट्टी है वह काली मिट्टी रबड़ के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी? ज्वालामुखी लावा निर्मित मिट्टी, निर्मित काली मिट्टी रबड़ के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी भूमि हम देखें तो इसकी भूमि ढलवा भूमि इसके लिए आवश्यक है, ढलवा भूमि, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं रबड़ की, जो पौधे की जो जड़ें हैं उन जड़ों में पानी का भरा होना आवश्यक नहीं है। मतलब जो पौधे की जड़ों में पानी भर जाता है तो इन पौधों के लिए ये हानिकारक होता है, इसलिए इनमें यह ढलवा भूमि होनी चाहिए ताकि इसमें पौधों में जड़ों में पानी ना भर सके। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि सस्ते श्रमिक भी आवश्यक है, और सस्ते और कुशल श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है, और पूंजी की भी इसमें आवश्यकता होती है, और निकट के जो परिवहन की आवश्यकता होती है और निकट के जो बाजार की सुविधा है उसकी भी हमें इसमें आवश्यकता होती है। इस प्रकार की इसकी जो मुख्य भौगोलिक दशाएँ हैं उन वो हमने देखी है। तो हम देखते हैं तापमान, इसका तापमान होना चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इससे कम तापमान में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वर्षा, तो इसके लिए वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 या फिर 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है। फिर हम मिट्टी देखें तो इसके पौधे के विकास के लिए लेटराइट मिट्टी, इस रबड़ का जो पौधा है वह लेटराइट मिट्टी में, और या फिर जो लावा के द्वारा जो निर्मित काली मिट्टी है उस काली मिट्टी में ही इसका विकास हो पाता है, इसलिए यह मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। लेटराइट और दोमट या फिर ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा के द्वारा जो काली मिट्टी का निर्माण होता है वह काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। और फिर हम देखते हैं ढलवा भूमि भी इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके जड़ों में पानी भरना इसके लिए हानिकारक होता है, इसलिए ढलवा भूमि हो जिससे इसका जो पानी का ढलान हो सके और इसमें जड़ों में पानी ना भर सके। इस प्रकार से ये इसके लिए भौगोलिक आवश्यक दशाएँ हमने देख ली है। आगे हम इसके उत्पादन और वितरण को देखते हैं। तो देखिए, इसका जो उत्पादन है रबड़ का जो उत्पादन है हम प्राचीन काल में देखें तो सबसे प्रारंभ में इसका जो उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन होता था वो होता था एक तो अफ्रीका में जायरे बेसिन में और
दक्षिणी अमेरिका में अमेजन में, अमेजन के जो जंगल है या फिर अमेजन बेसिन है उसमें विश्व का सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता था। कब? प्राचीन काल में, अब की बात नहीं है, ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभ की बात है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व में जो भी रबड़ का उत्पादन होता था उसका 99% पूरे रबड़ के उत्पादन का 99% उत्पादन केवल इन दो क्षेत्रों में ही किया जाता था। कौन से? अफ्रीका का जायरे बेसिन और दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन का उत्पादन इसमें किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे अनेक असुविधाएँ होने लगी। जैसे असुविधाएँ मतलब, जैसे हम देखें कि इसके लिए जो आवश्यक है, एक तो यहाँ पे जो अमेजन के जंगलों में तो बहुत बड़े बड़े जंगल है, इतने घने जंगल है कि वहाँ से रबड़ का उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसके लिए परिवहन की सुविधाएं भी यहाँ पे नहीं है, पानी की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है और मानव का निवास भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत कठोर है, ठीक है। इसी सभी प्रकार के असुविधाओं के कारण यहाँ पे जो रबड़ का जो उत्पादन है वो घटता गया। और अब वर्तमान में हम देखें तो यहाँ पे केवल विश्व का 2% ही, 2% उत्पादन ही रबड़ का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जा रहा है। मतलब इतना परसेंट किया जाता था, 99% प्रारंभ में किया जाता, लेकिन अब वर्तमान में केवल 2% ही उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। और अब हम वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं तो विश्व का सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन है विश्व में तो ये अपने दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह है, दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह है इन्हीं में भी रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। इसमें इस दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में हम देखें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जावा, सुमात्रा, और इन्हीं में आज विश्व का 90% रबड़ का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। और आगे हम देखें कि इसकी गुणवत्ता में हम देखें, गुणवत्ता की हम बात करें रबड़ की, तो इसका जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो रबड़ है वो कहीं ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है बल्कि इस अमेजन के बेसिन या फिर जायरे बेसिन के रबड़ की तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार हम पहले की बात करते हैं तो प्राचीन काल में 20वीं सदी के प्रारंभ में तो देखें तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन अमेजन और जायरे बेसिन में किया जाता था, विश्व का केवल 99% उत्पादन, ठीक है। और आज की वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन विश्व के जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं उनमें 90% विश्व का 90% रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सभी भौगोलिक दशाएं हैं वो यहाँ पे विद्यमान है। जैसे यहाँ का जो तापमान है वो बिल्कुल इस उष्णकटिबंधीय तापमान है और विषुवत रेखा के समीप होने के कारण यहाँ पे तापमान भी सही है और यहाँ की जो वर्षा है वो भी अच्छी होती है यहाँ पे। और फिर आगे हम देखें तो यहाँ से जो देश है वो ऐसी स्थिति में है कि यहाँ से सभी देशों से जल परिवहन की सुविधाओं के द्वारा यहाँ पे जल परिवहन है। हम देखें तो यहाँ पे जो ये विश्व है, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो सभी महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार सभी महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं और स्वेज नहर के द्वारा तो ये यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से अटलांटिक महासागर होता हुआ ये दक्षिण, ये उत्तरी अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये इसकी स्थिति ऐसी जगह पे है कि ये जल परिवहन के द्वारा पूरे विश्व में रबड़ का व्यापार या फिर निर्यात कर सकता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में रबड़ के लिए सभी भौगोलिक दशाएँ होने के कारण से ही यहाँ पे विश्व का 90% जो रबड़ है वो उत्पादित किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि विश्व के कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि मलेशिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक है। मलेशिया की जो अन्य क्षेत्र हैं उनको हम देखें तो यहाँ का जो जोहार, पेराक, मलक्का, मलक्का, आगे हम देखें तो सिलांगोर और डिदिने। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र हैं मलेशिया के। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जोहार, पेराक, मलक्का, पिलांग, सिलांगोर और डिदिने। इन क्षेत्रों में रबड़ का
उत्पादन किया जा रहा है। ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं? मलेशिया के। और मलेशिया है दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जो क्षेत्र हैं, जो द्वीप हैं, वो हैं जावा, सुमात्रा और बोर्निया। बोर्निया ये तीनों द्वीप हैं, वो हैं इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया, ठीक है। इस प्रकार से अगले दूसरे नंबर पे अपना जो रबड़ उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और बोर्निया, इन तीन द्वीपों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे हम देखें थाईलैंड। तो थाईलैंड का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन रबड़ का थाईलैंड में ही किया जाता है। और थाईलैंड का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है कहाँ का? थाईलैंड का। थाईलैंड का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है उसमें विश्व का सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। और प्रथम स्थान हम देखें रबड़ के उत्पादन में तो थाईलैंड का ही है, ठीक है। आगे हम देखें श्रीलंका। तो श्रीलंका के भी कुछ क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। तो देखिए श्रीलंका है। फिर भारत में भी रबड़ का उत्पादन, दक्षिण भारत में, ये जो आपका ये दक्षिण भारत है, यहाँ पे केरल है, दक्षिण भारत के केरल में, रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। भारत के अलावा श्रीलंका में भी रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। और फिर हम अन्य देशों को हम देखते हैं, तो इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, जायरे है, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम और कंबोडिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अफ्रीका का जायरे प्रदेश है और ब्राज़ील है। ये मुख्य रूप से हमने देखा कि जो मुख्य उत्पादन हो रहा है रबड़ का, तो वो कहाँ पे हो रहा है? मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है उनमें विश्व का सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। और उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा थाईलैंड है, तो थाईलैंड वो मलेशिया में देखा, तो मलेशिया के जोहार, पैराक, मलक्का, पिलांग, सिंगलोर और डिडिने, इन क्षेत्रों में, मलेशिया के इन क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और फिर हम इंडोनेशिया को देखें, तो इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और बोर्निया द्वीपों में रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। और फिर हम देखें तो थाईलैंड का जो दक्षिणी पठारी भाग है उसमें रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। और विश्व के प्रथम स्थान पर जो देश है वो है थाईलैंड है, ठीक है। विश्व में रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? थाईलैंड का है। और फिर हम अन्य देशों में हम देखें तो भारत के केरल में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है, भारत है, श्रीलंका है और वियतनाम और कंबोडिया है, ठीक है। और उसके बाद अन्य देशों में हम देखें तो जायरे बेसिन है और अमेजन बेसिन है ब्राज़ील में, इनमें भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि रबड़ के जो आयातक और जो निर्यातक देश हैं उनको हम देखें, तो आयातक हम देखते हैं तो रबड़ का सर्वाधिक आयातक जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह विश्व का सबसे बड़ा रबड़ आयातक देश है, ठीक है। और हम निर्यातक देशों को हम देखें तो जिसमें निर्यातक देशों में है मलेशिया थाईलैंड है, इंडोनेशिया। ये विश्व के प्रमुख रबड़ निर्यातक देश है। तो सबसे जो आयातक देश है, सबसे बड़ा आयातक देश है रबड़ का, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो निर्यातक देश है वो है मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने जो अपनी अगली फसल है, जो रबड़ है, उसके बारे में हमने देख लिया है। और अगले वीडियो में हम अन्य फसल के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।